हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का डिटेल डिस्कशन करने वाले सिलेबस का। तो इसमें आपके बेसिकली तीन यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अगर मैं सेमेस्टर मोड की बात करूँ तो उसमें आपका बस ऑर्गेनिक आता है और फिजिकल आता है। अगर मैं एनुअल मोड की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों आपके इंक्लूड है पूरे बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। सेमेस्टर मोड में बस आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री ही है। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है वो आपका एल्काइल और एराइल हैलाइड्स का है। ये जो आपका चैप्टर है ये आपका सेमेस्टर थर्ड में, और अगर हम एनुअल मोड की बात करें तो ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर पे आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपका सेमेस्टर मोड के हिसाब से लिखा है एल्काइल और एराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये आपका बहुत सारा मैच करता है क्लास 12th की हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन से। एल्काइल हैलाइड आपके हेलो एल्केन्स होते हैं और एराइल हैलाइड आपके हेलो अरीन्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आपके इसमें आते हैं टॉपिक्स, जैसे आपका नोमेनक्लेचर एंड क्लासेस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आ गया, मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, केमिकल रिएक्शन आते हैं आपके एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के, फिर मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एल्काइल हैलाइड्स के, जिसमें आपका SN1 और SN2 रिएक्शन आते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। फिर आपका उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स है, वो आपके इंपॉर्टेंट है। फिर बनता है आपका इसमें पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, आपने क्लास 12th में देखा होगा हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के अंदर जो आपका लास्ट यहाँ पर टॉपिक है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, तो वो आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, फ्रेयॉन्स हो गए, तो ये कुछ आपके पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है जो आपके इंपॉर्टेंट है। फिर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस हो गया, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है एंड एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर आता है आपका रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड वर्सेस एलाइल, विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स। फिर आपका सिंथेसिस एंड यूज ऑफ DDT एंड BHC। तो बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पर मैच करती है क्लास 12th के हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन वाले चैप्टर से, ठीक है। सेकंड जो आपके यहाँ पर यूनिट है वो है अल्कोहल्स का। तो इसमें आपकी कुछ चीज़ें नई है जो आपको पढ़नी है यहाँ पर, कुछ आपका रीअरेंजमेंट है, कुछ मैकेनिज्म है जो आपको यहाँ पर देखना है, कुछ आपका क्लीवेज आता है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो अल्कोहल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, पहला है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आते हैं आपके जिसमें आपका बिसिनल ग्लाइकोल्स आते हैं, जिसमें आपके दो OH ग्रुप रहते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ बिसिनल ग्लाइकोल्स। फिर आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है जो आपका इंपॉर्टेंट है, लेड एसिटेट हो गया, परायोटिक एसिड हो गया, ठीक है। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो ये सब चीज़ें आपकी जो लास्ट में 3-4 टॉपिक्स है ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और नए भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है अच्छे से अल्कोहल्स के अंदर बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री पे, ठीक है। फिर इसमें आपका तीसरा यहाँ पर आता है वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। एक हमने मोनोहाइड्रिक देखा, एक आपका डाईहाइड्रिक है, तीसरा आपका ट्राईहाइड्रिक है। इसमें आपका मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन, ग्लिसरॉल, तो ये सब चीज़ें आपकी आती है अल्कोहल्स के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल आपका था अल्कोहल्स के अंदर। थर्ड जो आपकी यूनिट आती है वो फिनॉल्स है। फिनॉल्स में अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ है, नोमेनक्लेचर है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स। फिर आपका कंपेरिजन आता है एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल्स और फिनॉल्स के, ठीक है। तो उनमें कंपेरिजन आपका इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयंस। फिर आपका रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एसाइलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। मैकेनिज्म आती है आपकी फ्राइज रिएजेंट की, तो कुछ नई मैकेनिज्म आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपका क्लेसन कंडेंसेशन है, गेटरमैन सिंथेसिस है, हॉबन हॉश रिएक्शन है, लेडर मैनिसे रिएक्शन है, रायमंड टाइमंड रिएक्शन है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर फिनॉल्स के अंदर आती है, ठीक है। तो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, कुछ रिएक्शन है जो आपको अच्छे से यहाँ पर देखनी है। रायमंड टाइमंड अगर आपने पहले कर रखी है क्लास 12th में, तो और भी 3-4 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से करनी है फिनॉल्स यूनिट के अंदर, ठीक है। ये तीसरा आपका चैप्टर है फिनॉल्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर का। फोर्थ आता है आपका ईथर्स एंड एपॉक्साइड्स। इसमें क्या आपका नोमेनक्लेचर हो गया ईथर्स एपॉक्साइड्स के, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आते हैं, केमिकल रिएक्शंस आ गए आपकी ईथर्स एपॉक्साइड की, क्लेवेज एंड ऑटो ऑक्सीडेशन, जीजल्स मेथड आ गया, सिंथेसिस ऑफ एपॉक्साइड्स आ गए, एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस आती है एपॉक्साइड्स की, ओरिएंटेशन ऑफ एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स विद एपॉक्साइड्स। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ईथर्स और एपॉक्साइड्स में। छोटा चैप्टर है लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके केमिकल रिएक्शन बहुत सारे और आपको एपॉक्साइड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हल्का सा इंट्रोडक्शन में पहले भी किया था, एक वीडियो देखी थी, और भी हम आगे आने वाली वीडियोज पे इसको हम डिस्कस करेंगे ईथर्स और एपॉक्साइड्स को, ठीक है। फिफ्थ के आपके पास जो फिफ्थ यूनिट आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर के अंदर, वह एल्डिहाइड और कीटोन्स।
तो एल्डिहाइड और कीटोन्स आपने क्लास 12 में देखा है, तो कुछ चीज़ें से मैच करेगी लेकिन कुछ चीज़ें आपकी नई भी है यहाँ पर, ठीक है। देख लेते कौन कौन सी चीज़ें नई है और कौन सा आपका पहले से यहाँ पर है। तो नोमेनक्लेचर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप है, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद पर्टिकुलर डिफरेंस टू द सिंथेसिस फ्रॉम एसिड क्लोराइड, सिंथेसिस यूजिंग 1,3 डाइथायंस फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। फिर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। फिर मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप विद पर्टिकुलर इम्फेसिस ऑन बेंजोइन, एल्डोल, परकिन एंड नोवेनिकल कंडेंसेशन। तो ये आपका सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ आपकी यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप विद पर्टिकुलर इम्फेसिस ऑन बेंजोइन, एल्डोल, परकिन कंडेंसेशन आ गया, फिर आपका नोवेनिकल कंडेंसेशन आ गया। तो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर आती है जो आपकी यहाँ पर नई है और आपको देखनी है, ठीक है। फिर क्या है और आपके पास यहाँ पर, कंडेंसेशन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, विटिंग रिएक्शन आ गया, मेनिश रिएक्शन आ गया, यूज ऑफ एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, बियर विलिजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिडक्शन आते हैं, ठीक है। उससे जो आपके रिडक्शन यहाँ पर होते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एनोलिजेबल कीटोन्स आते हैं, फिर आपका कुछ इंट्रोडक्शन आता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स के उसमें। तो ये कुछ आपके यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, कुछ आपकी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जो आपकी इंपॉर्टेंट है बीएससी सेकंड ईयर पे, उसी से आपके क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार आपके यूनिट है बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपका एक और यूनिट है कार्बोऑक्सिलिक एसिड, वो हम कर ही रहे, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए पहले ही, ठीक है। तो उसको मैं लिखना भूल गया, लेकिन वो भी आपका बहुत बड़ा यूनिट है। तो एक दो हमने उसके बहुत सारी वीडियोस देख ली है, तीन चार वीडियोस हमने देखी है उसकी, बाकी हम वीडियोस करेंगे। तो वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट यूनिट है कार्बोऑक्सिलिक एसिड का बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आता है, ठीक है। अब हमारा आता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो पहला जो आपका इसमें चैप्टर है वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी ये हम कर भी रहे, तीन चार वीडियो हम देख चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, बाकी भी हम देखेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती है इसके अंदर, लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन टू सम होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है ली चैटेलिया प्रिंसिपल। तो ये सब चीज़ें आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आती है, ठीक है। सेकंड जो आपके यहाँ पर आता है वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट वन। पार्ट वन की बात करें तो अगर हम बीएससी के एनुअल मोड की बात करूं तो ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ही कवर हो चुका है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट वन, लेकिन सेमेस्टर मोड में ये आपका सेमेस्टर थर्ड के अंदर आता है, ठीक है। और जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एनुअल मोड वाले हैं वो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें आपका आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका पार्ट वन है जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ आपकी आती है इसके अंदर, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टर्म्स, सिस्टम सराउंडिंग एटसेट्रा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको भी हम बहुत कर चुके हैं, तीन चार वीडियोस इसकी भी देख चुके पहले, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस एंड देयर डिफरेंशियल्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, हीट कैपेसिटीज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड देयर रिलेशनशिप, जूल थॉम्सन कोफिशियंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर आता है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क हीट, फिर आपका इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी चेंज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर आपका थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एक आपका अलग यूनिट है, तो क्या आएगा इसके अंदर आपका, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हेसेस लॉ आता है ऑफ हीट सबमिशन एंड इट्स एप्लीकेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फिर आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन फ्रॉम थर्मोकेमिकल डेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी एंड किरचॉफ इक्वेशन। तो ये सब चीज़ें आपकी थर्मोडायनेमिक्स पहले पार्ट के अंदर आती है। तीसरी जो आपकी यूनिट है वो आपकी सरफेस केमिस्ट्री की है। तो कौन सी आपकी चीज़ें हैं इसमें, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, फ्रेंडलिक एंड लैंग्वर्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। इसके जो ग्राफ है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस आपके इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, परिन्स मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एवोगैड्रोस नंबर। तो ये सब चीज़ें आपकी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है आपका तीसरा यूनिट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें आपके मोस्टली कौन से है, डी वाले, डी ब्लॉक के आपके यहाँ पर जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसके, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सब चीज़ें आपको यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर के अंदर देखनी है। तो ये आपके एनुअल मोड के अंदर आता है, सेमेस्टर मोड में बस आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल ही है, ठीक है। तो पहला आपका केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्या क्या चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, आयोनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर बाइनरी कंपाउंड्स आते हैं इलस्ट्रेटिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। तो ये सब चीज़ें आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आती है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स सेकंड और थर्ड सीरीज जो आपकी आती है 2D और 3D वाली, तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कंपैरेटिव ट्रीटमेंट विद देयर एनालॉग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आयोनिक रेडियाई,
ठीक है, फिर आपका आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें आपकी सेकंड और थर्ड सीरीज के अंदर आती है, जो आपका सेकंड चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर का। तीसरा जो आपका है वो आपका एसिड एंड बेसिस है। तो इसमें आपका अरिनियस कंसेप्ट आ गया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, लक्स फ्लड एंड लेविस कंसेप्ट आते हैं एसिड एंड बेसिस के, रोल ऑफ द सॉल्वेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड बेस प्रॉपर्टीज इन नॉन एक्वस मीडिया। तो ये सब चीज़ें आपकी एसिड और बेसिस के अंदर आती है, जो आपका बीएससी सेकंड ईयर का तीसरा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, फोर्थ आपका आता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या कह सकते हैं आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपने यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखा है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है। कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें? वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसे हम EAN कहते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना चाहिए, चिलेट्स क्या होते हैं, फिर आपका नोमेनक्लेचर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेबिलिटी, T2G, EG सब का इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी चार यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड और थर्ड, फिर आपका एसिड और बेसिस आता है, और लास्ट में आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है बीएससी सेकंड ईयर का। तो हमने टोटल देख लिया इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।